हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सना और आज मैं आपके साथ अरबी की ड्राई सब्जी की रेसिपी शेयर कर रही हूं, जिसे आप लंच बॉक्स में ले जा सकते हैं, जिसे आप ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं। पूरी पराठे के साथ खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अरबी की ड्राई सब्जी बनाने के लिए मैं प्रेशर कुकर में 1 सर्विंग स्पून के बराबर ऑयल ले रही हूँ। इस ऑयल को अच्छी तरीके से गर्म करेंगे, क्योंकि ये सरसों का ऑयल है। आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ली है 250 ग्राम, यानी कि 250 ग्राम अरबी, जिसको मैंने छील करके धो करके पतले पतले स्लाइस में काट करके तैयार किया है। अब ऑयल गर्म हो गया है, तो हम ये अरबी इसमें डाल देंगे और अरबी को हमें करना है फ्राई। अरबी के ऊपर अच्छे से गोल्डन स्पॉट्स आने तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, गोल्डन स्पॉट्स आ गए हैं, अरबी अच्छे से फ्राई हो गई ऊपर से। और अब इस अरबी को हम निकाल लेंगे, इतना ही फ्राई करेंगे, इससे ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमारी अरबी जो है काफ़ी हद तक कुक हो जाती है, 40-50% तक हमारी यहाँ पर अरबी कुक हो जाएगी, बाकी हम इसे सब्ज़ी में पकाएंगे। तो ये देखिए, हमारी अरबी अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी है। अच्छा, यहाँ पे जो बचा हुआ ऑयल है, इसमें एक्स्ट्रा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। इसी में, अगर आपको ज़्यादा लगे तो कम कर लें। इसी में मैं 1 छोटी चम्मच ज़ीरा ऐड कर रही हूँ। थोड़ी सी इसमें हम हींग ऐड करेंगे, 1 पिंच के बराबर हींग ऐड कर रही हूँ। इसके बाद इसमें हम प्याज ऐड करेंगे। जीरा हमारा चटक गया है अच्छे से, इसमें डाल देंगे प्याज। 1 मीडियम साइज का प्याज लिया था, बारीक चॉप करके ये ऐड कर दिया हमने। प्याज को थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, प्याज हो गई हमारी हल्की सी ब्राउन, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। यहाँ पे 1 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट डाल देंगे, इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके 1 मिनट के लिए भून लेंगे। यहाँ पे देखिए, मैंने लिए 2 टमाटर मीडियम साइज के, रफली चॉप करके डाल दिए हैं। अब इसमें थोड़े मसाले ऐड करेंगे। 1 छोटी चम्मच नमक डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। 1/2 छोटी चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च और 1/2 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आप दोनों में से कोई भी डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो। 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच और डाल दे रही हूँ। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हैं इस रेसिपी में। मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इसमें हम 1 छोटी चम्मच सब्जी मसाला भी डाल रहे हैं, अगर आपके पास हो तो आप डालें, नहीं तो थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डाल सकते हैं। अब इसको अच्छी तरीके से ऑयल सेपरेट होने तक मसाले को भुनने देंगे। अच्छा देखिए, यहाँ पे देखिए, मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है, ऑयल सेपरेट होने लगा है, बस इतना ही मसाले को भुनना है। इसके अंदर हम अरबी ऐड कर देंगे, जो हमने फ्राई करके रखी थी, और इसमें हम 1 छोटी चम्मच डाल देंगे अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर नहीं है तो, अमचूर पाउडर अगर नहीं है तो आप नींबू का रस थोड़ा सा डाल सकते हैं। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मैं इसे कुकर में बना रही हूँ, तो मैं इसमें सिर्फ 1 से 2 विसल लगा लूँगी। और अगर आप इसे खुले बर्तन में, कढ़ाई वगैरह में बना रहे हैं, तो आप इसको 5 से 6 मिनट ढककर बिल्कुल लो फ्लेम पर पकने दीजिए। ¼ कप के बराबर मैंने पानी इसमें डाल दिया है। हम इसमें हाई फ्लेम पे 1 विसल ले लेंगे और इसको प्रेशर कुकर को पूरी तरीके से ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पे देखिए, प्रेशर कुकर बिल्कुल अच्छी तरीके से ठंडा हो गया, इसकी पूरी स्टीम निकल चुकी है, अरबी जो है पक चुकी है, अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, गल गई है। इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। ये देखिए, एकदम मसालेदार हमारी अरबी की सब्जी बनी है, ड्राई सब्जी है, आप इसे ऑफिस में ले जा सकते हैं। तो ये देखिए, गर्मा गर्म अरबी की सब्जी, इसके साथ आप पराठे बनाइए, रोटी बनाइए, बहुत ही मज़े की ये सब्जी बनती है। पूरी बनाइए, पूरी के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। इस तरीके से आप ये अरबी की सब्जी ज़रूर बना के देखें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, सब्जी की रेसिपी अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।